नमस्कार, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों का कथा मंथन में मैं सुनीता स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी सौभाग्य के कोड़े। लड़के क्या अमीर के हों क्या गरीब के, विनोदशील हुआ करते हैं। उनकी चंचलता बहुधा उनकी दशा और स्थिति की परवाह नहीं करती। नथवा के माँ बाप दोनों मर चुके थे। अनाथों की भांति वह राय साहब भोलानाथ के द्वार पर पड़ा रहता। राय साहब दयाशील पुरुष थे, कभी कभी एक आधा पैसा दे देते। खाने को भी घर में इतना झूठा बचता था कि ऐसे ऐसे कई अनाथ पल सकते थे। पहनने को भी उनके लड़कों के उतारे मिल जाते, इसलिए नथुआ अनाथ होने पर भी दुखी नहीं था। राय साहब ने उसे एक ईसाई के पंजे से छुड़ाया था। इन्हें इसकी परवाह न हुई कि मिशन में उसकी शिक्षा होगी, आराम से रहेगा। उन्हें यह मंजूर था कि वह हिंदू रहे। अपने घर के झूठे भोजन को वह मिशन के भोजन से कहीं पवित्र समझते थे। उनके कमरों की सफाई मिशन पाठशाला की पढ़ाई से कहीं बढ़कर थी। हिंदू रहे चाहे जिस दशा में रहे, ईसाई हुआ तो फिर सदा के लिए हाथ से निकल गया। नथुआ को बस राय साहब के बंगले में झाड़ू लगा देने के सिवाय और कोई काम ना था। भोजन करके खेलता फिरता था। कर्मानुसार ही उसकी वर्ण व्यवस्था भी हो गई। घर के अन्य नौकर चाकर उसे भंगी कहते थे और नथुआ को इसमें कोई ऐतराज ना होता। नाम का स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है, इसकी उस गरीब को कुछ खबर ना थी। भंगी बनने में कुछ हानि भी ना थी। उसे झाड़ू देते समय कभी पैसे पड़े मिल जाते तो कभी कोई और चीज। इससे वह सिगरेट लिया करता था। नौकरों के साथ उठने बैठने में उसे बचपन से ही तंबाकू सिगरेट और पान खाने का चस्का पड़ गया। राय साहब के घर में यूं तो बालकों और बालिकाओं की कमी ना थी। दर्जनों भांजे भतीजे पड़े रहते, पर उनकी नीच की संतान केवल एक पुत्री थी जिसका नाम था रत्ना। रत्ना को पढ़ाने को दो मास्टर थे, एक मेम साहब अंग्रेजी पढ़ाने आया करती। राय साहब की यह हार्दिक अभिलाषा थी कि रत्ना सर्वगुण हो, जिस घर में जाए उसकी लक्ष्मी बने। वह उसे अन्य बालकों के साथ न रहने देते। उसके लिए अपने बंगले में दो कमरे अलग कर दिए थे, एक पढ़ने के लिए और दूसरा सोने के लिए। लोग कहते कि लाड़ प्यार में बच्चे जिद्दी और शरीर हो जाते हैं, और रत्ना इतने लाड़ प्यार पर भी बड़ी सुशील बालिका थी। किसी नौकर को रे ना पुकारती, किसी भिखारी तक को ना दुत्कारती। नथुआ को वह पैसे मिठाइयाँ दे दिया करती, कभी कभी उससे बातें भी किया करती थी। इससे वह लौंडा उसके मुंह लग गया। एक दिन नथुआ रत्ना के सोने के कमरे में झाड़ू लगा रहा था। रत्ना दूसरे कमरे में मेम साहब से अंग्रेजी पढ़ रही थी। नथुआ की शामत जो आई थी, झाड़ू लगाते लगाते उसके मन में यह इच्छा हुई कि रत्ना के पलंग पर सोऊं। कैसी उजली चादर बिछी हुई है, गद्दा कितना नरम और मोटा है, कैसा सुंदर दुशाला है। रत्ना इस गद्दे पर कितने आराम से सोती है, जैसे चिड़िया के बच्चे घोंसले में। तभी तो रत्ना के हाथ इतने गोरे और कोमल हैं, मालूम होता है देह में रुई भरी हुई है। कौन देखता है, यह सोचकर उसने पैर फर्श पर पहुंचे और चटपट पलंग पर आकर लेट गया, दुशाला ओढ़ लिया। गर्व और आनंद से उसका हृदय पुलकित हो गया। मारे खुशी के दो तीन बार पलंग पर उछल पड़ा। उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो मैं रुई में लेटा हूँ, जिधर करवट लेता देह अंगुल भर नीचे धस जाती। वह स्वर्गीय सुख मुझे कहाँ नसीब, मुझे भगवान ने राय साहब का बेटा क्यों ना बनाया। सुख का अनुभव होते ही वह अपनी दशा का वास्तविक ज्ञान उसको होने लगा। उसका चित्त शुद्ध हो गया। एकाएक राय साहब किसी जरूरत से कमरे में आए और नथुआ को रत्ना के पलंग पर लेटे देखा, मारे क्रोध के जल उठे और बोले, क्यों बेसुअर, तू यहाँ क्या कर रहा है। नथुआ ऐसा घबराया मानो नदी में पैर फिसल पड़ा हो, चारपाई से कूद कर अलग खड़ा हो गया और फिर झाड़ू हाथ में ले ली। राय साहब ने फिर पूछा, यहाँ क्या कर रहा है बे। कुछ तो नहीं सरकार। अबे तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि रत्ना की चारपाई पर सोए, नमक हराम कहीं का, लाना मेरा हंटर। हंटर मंगवा कर राय साहब ने नथुआ को खूब पीटा। बेचारा हाथ जोड़ता पैर पड़ता, मगर राय साहब का क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं लेता। सब नौकर जमा हो गए और नथुआ के जले पर नमक छिड़कने लगे। राय साहब का क्रोध और चढ़ा, हंटर हाथ से फेंक कर ठोकरों से मारने लगे। रत्ना ने यह रोना सुना तो दौड़ी हुई आई, समाचार सुनकर बोली, दादाजी बेचारा मर जाएगा, अब इस पर दया कीजिए। राय साहब, मर जाएगा तो उठवाकर फिकवा दूंगा, इस बदमाशी का मजा तो मिल जाएगा। रत्ना, मेरी ही चारपाई थी ना, मैं उसे क्षमा करती हूँ। जरा देखो तो अपनी चारपाई की गत, पाजी के बदन की मैल भर गई है, भला इसे सूझी क्या। क्यों बे, तुझे क्या सूझी थी। यह कहकर राय साहब फिर लपके, मगर नथुआ आकर रत्ना के पीछे दुबक गया। इसके सिवा और कोई शरण ना थी। रत्ना ने रुककर कहा, दादाजी मेरे कहने से अब इसका अपराध क्षमा कीजिए। राय साहब, क्या कहती हो रत्ना, ऐसे अपराधी कहीं क्षमा किए जाते हैं। खैर तुम्हारे कहने से छोड़ देता हूँ, नहीं तो आज जान लेकर छोड़ता। सुन बे,
न तो अपना भला चाहता है तो फिर यहाँ ना आना, इसी दम निकल जा सुअर नालायक। नथुआ प्राण छोड़कर भागा, फिर पीछे ना देखा। सड़क पर पहुंचकर वह खड़ा हो गया। यहाँ राय साहब उसका कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ सब लोग उनकी मुंह देखी तो ना कहेंगे, कोई तो कहेगा कि लड़का था, भूल हो गई, क्या प्राण ले लेंगे? यहाँ मारे तो देखो, गाली देकर भागूंगा, फिर कौन मुझे पा सकता है? इस विचार से उसकी हिम्मत बंधी। बंगले की तरफ मुंह करके जोर से बोला, यहाँ आओ तो देखें, और फिर भागा कि कहीं राय साहब सुनने लगे हों। नथुआ थोड़ी ही दूर गया था कि रत्ना की मेम साहब अपने टमटम पर सवार आती हुई दिखाई दी। उसने समझा शायद मुझे पकड़ने आ रही है, फिर भागा। किंतु जब पैरों में दौड़ने की शक्ति ना रही तो खड़ा हो गया। उसके मन ने कहा, वह मेरा कर क्या लेंगी, मैंने उनका तो कुछ बिगाड़ा नहीं। एक क्षण में मेम साहब आ पहुंची और टमटम रोककर बोली, नथू कहाँ जा रहे हो? नथुआ, कहीं नहीं मेम, राय साहब के यहाँ फिर जाएगा तो वह मारेंगे, क्यों नहीं मेरे साथ चलता? मिशन में आराम से रह, आदमी तो बन जाएगा। नथुआ, क्रिश्चियन तो ना बनाओगी? क्रिश्चियन क्या भंगी से भी बुरा है पागल? मेम ने कहा, ना भैया, क्रिश्चियन ना बनूंगा। मेम, तेरा जो जी चाहे करना, तेरा जी चाहे तो ना बनना, कोई जबरदस्ती थोड़े ही बना देगा। नथुआ थोड़ी देर तक टमटम के साथ चला, पर उसके मन में संशय बना हुआ था। सहसा उतर गया। मेम साहब ने पूछा, क्यों चलता क्यों नहीं? नथुआ, मैंने सुना है मिशन में जो कोई जाता है क्रिश्चियन में हो जाता है, मैं ना जाऊंगा, आप झांसा देते हैं। मेम साहब, अरे पागल, वहाँ तुझे पढ़ाया जाएगा, किसी की चाकरी ना करनी पड़ेगी, शाम को खेलने की छुट्टी मिलेगी, कोट पतलून पहनने को मिलेगी, चल के दो चार दिन देख तो ले। नथुआ ने इस प्रलोभन का उत्तर ना दिया, एक गली से होकर भागा। जब टमटम दूर निकल गया तो वह निश्चिंत होकर सोचने लगा, जाऊँ कहाँ जाऊँ, कहीं कोई सिपाही पकड़ कर थाने ना ले जाए, मेरी बिरादरी के लोग तो वहाँ रहते हैं, क्या वह मुझे अपने घर रखेंगे? कौन बैठ कर खाऊंगा, काम तो करूँगा, बस किसी की पीठ पर रहना चाहिए। आज कोई मेरी पीठ पर होता तो मजाल थी कि राय साहब मुझे यूं मारते, सारी बिरादरी जमा हो जाती, घेर लेती, घर की सफाई बंद हो जाती, कोई द्वार पर झाड़ू तक न लगाता, सारी राय साहब भी निकल जाती। यह निश्चय करके वह घूमता घूमता भंगियों के मोहल्ले में पहुंचा। शाम हो गई थी। कई भंगी एक पेड़ के नीचे चटाइयों पर बैठे शहनाई और तबला बजा रहे थे। वह नित्य इसका अभ्यास करते, यही उनकी जीविका थी। गान विद्या की यहाँ जितनी कद्र है उतनी और कहीं ना हुई होगी। नथुआ जाकर वहाँ खड़ा हो गया। उसे बहुत ध्यान से सुनते देखकर एक भंगी ने पूछा, कुछ गाता है? नथुआ, अभी तो नहीं गाता, पर सिखा दोगे तो गाने लगूंगा। भंगी, बहाना मत कर, बैठ, कुछ गाकर सुना, मालूम तो है वो कि तेरा गला भी है या फिर नहीं। गला ही ना होगा तो क्या कोई सिखाएगा? नथुआ मामूली बाजार के लड़कों की तरह कुछ ना कुछ गाना जानता ही था। रास्ता चलता तो कुछ ना कुछ गाने लगता था, तुरंत गाने लगा। उस्ताद ने सुना, जौहरी था, समझ गया यह कांच का टुकड़ा नहीं है। बोला, कहाँ रहता है? नथुआ ने अपनी राम कहानी सुनाई, परिचय हो गया, उसे आश्रय मिल गया और विकास का यह अवसर जिसने उसे भूमि से आकाश पर पहुंचा दिया। 3 साल उड़ गए। नथुआ के गाने की सारे शहर में धूम मच गई और वह केवल एक गुणी नहीं सर्वगुणी था। गाना, शहनाई बजाना, पखावस, सारंगी, तंबूरा, सितार, सभी कलाओं में दक्ष हो गया। उस्तादों को भी उसकी चमत्कारिक बुद्धि पर आश्चर्य होता। ऐसा मालूम होता था कि उसने पहले की पढ़ी हुई विद्या दोहरा ली है। लोग 10-10 सालों तक सितार बजाना सीखते रहते और नहीं आता। नथुआ को 1 महीने में उसके तारों का ज्ञान हो गया। ऐसे कितने ही रतन पड़े हुए हैं जो किसी पारखी से भेंट ना होने के कारण मिट्टी में मिल जाते हैं। संयोग से इन्हीं दिनों ग्वालियर में एक संगीत सम्मेलन हुआ। देश देशांतरों से संगीत के आचार्य निमंत्रित हुए। उस्ताद घुरे को भी निमंत्रण मिला। नथुआ इन्हीं का शिष्य था। उस्ताद ग्वालियर चले तो नथु को भी साथ लेते गए। 1 सप्ताह तक ग्वालियर में बड़ी धूमधाम रही। नथुराम ने वहाँ खूब नाम कमाया, उसे सोने का तमगा इनाम मिला। ग्वालियर के संगीत विद्यालय के अध्यक्ष ने उस्ताद घुरे से आग्रह किया, नथुराम को संगीत विद्यालय में दाखिला करा दो, यहाँ उसके संगीत के साथ उसकी शिक्षा भी हो जाएगी। घुरे को मानना पड़ा। नथुराम भी राजी हो गया। नथुराम ने 5 वर्षों में विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त कर ली। इसके साथ साथ भाषा, गणित, विज्ञान में भी उसकी बुद्धि ने अपनी प्रखरता का परिचय दिया। अब वह समाज का भूषण था। कोई उससे यह न पूछता था कि कौन जाति के हो। उसका रहन सहन, तौर तरीका अब गायकों का सा नहीं था, शिक्षित समुदाय का था। अपने सम्मान की रक्षा के लिए वह ऊंचे वर्णों वाला सा आचरण रखने लगा। मंदिरा मास त्याग दिया, नियमित रूप से संध्या उपासना करने लगा। कोई कुलीन ब्राह्मण भी इतना आचार विचार न करता होगा। नथुराम तो पहले ही उसका नाम हो चुका था, अब उसका कुछ और सुसंस्कार हुआ।
वह नथुराम आचार्य मशहूर हो गया। साधारणतः लोग आचार्य ही कहा करते थे। राज दरबार से उसे अच्छा वेतन मिलने लगा। 18 वर्ष की आयु में इतनी ख्याति विरले ही किसी गुणी को नसीब होती है। लेकिन ख्याति प्रेम वह प्यास है जो कभी नहीं बुझती। वह अगस्त्य ऋषि की भांति सागर को पीकर भी शांत नहीं होती। महर्षि आचार्य ने यूरोप को प्रस्थान किया। वह पाश्चात्य संगीत पर भी अधिकृत होना चाहते थे। जर्मनी के सबसे बड़े संगीत विद्यालय में दाखिल हो गए और 5 वर्षों के निरंतर परिश्रम और उद्योग के बाद आचार्य की पदवी लेकर इटली की सैर करते हुए ग्वालियर लौट आए और उसके एक ही सप्ताह के बाद मदन कंपनी में उन्हें 3,000 रुपये मासिक वेतन पर अपनी शाखाओं का निरीक्षक नियुक्त किया। वह यूरोप जाने के पहले ही 1,000 रुपये जमा कर चुके थे। यूरोप में भी ओपेराओं और नाट्यशालाओं में उनकी खूब आवाभगत हुई। कभी कभी एक दिन में इतनी आमदनी हो जाती थी जितनी यहाँ के बड़े बड़े गवैयों को बरसों में नहीं होती। लखनऊ से विशेष प्रेम होने के कारण उन्होंने वहीं निवास करने का निश्चय किया। आचार्य महाशय लखनऊ पहुंचे तो उनका चित गदगद हो गया। यहीं उनका बचपन बीता था। यहीं एक दिन वह अनाथ थे। यहीं गलियों में कनकौवे लूटते फिरते थे। यहीं बाजारों में पैसे मांगते फिरते थे। यहीं उन पर हंटरों की मार भी पड़ी थी जिसके निशान आज तक बने थे। अब वह दाग उन्हें सौभाग्य की रेखाओं से भी प्रिय लगते। यथार्थ में यह कोड़े की मार उनके लिए शिव का वरदान थी। राय साहब के प्रति अब उनके दिल में क्रोध या प्रतिकार का लेश मात्र भी ना था। उनकी बुराइयां भी भूल गई थी, भलाइयां याद रह गई। और रत्ना के तो उन्हें दया और वात्सल्य की मूर्ति भी याद आती। विपत्ति पुराने घावों को बढ़ाती है, संपत्ति उन्हें भर देती है। गाड़ी से उतरे तो छाती धड़क रही थी। 10 वर्ष का बालक 23 वर्ष का जवान शिक्षित भद्र युवक हो गया था। उसकी माँ भी उसे देखकर ना कह सकती कि यही मेरा नथुआ है। लेकिन उनकी कायापलट की अपेक्षा नगर की कायापलट और भी विस्मयकारी थी। यह लखनऊ नहीं, कोई दूसरा ही नगर था। स्टेशन से बाहर निकलते ही देखा कि शहर में कितने ही छोटे बड़े आदमी उनका स्वागत करने को खड़े हैं। उनमें एक युवती रमणी थी जो रत्ना से बहुत मिलती थी। लोगों ने उनसे हाथ मिलाया और रत्ना ने उनके गले में फूलों का हार डाल दिया। वह विदेश में भारत का नाम रोशन करने का पुरस्कार था। आचार्य के पैर डगमगाने लगे। ऐसा जान पड़ता अब नहीं खड़े रह सकते, यह वही रत्ना है। भोली भली बालिका ने सौंदर्य, लज्जा, गर्व और विनय की देवी का रूप धारण कर लिया है। उनकी हिम्मत ही ना पड़ी कि रत्ना की तरफ सीधी आंखों से देख सके। लोगों से हाथ मिलाने के बाद वह उस बंगले में आए जो उनके लिए पहले ही से सजाया गया था। देखकर चौंक पड़े, यह वही बंगला था जहां रत्ना के साथ वह खेलते थे। सामान भी वही था, तस्वीरें भी वही, कुर्सियां और मेजें भी वही, शीशे के अलावा वही, यहां तक कि फर्श भी वही। उसके अंदर कदम रखते हुए आचार्य महाशय के हृदय में कुछ वही भाव जागृत हो गए जो किसी देवता के मंदिर में जाकर धर्मपरायण हिंदू के हृदय में होते हैं। वह रत्ना के शयनघर में पहुंचे, उनके हृदय में हैटन हुई, आंसू बहने लगे। यह वही पलंग है, वही बिस्तर और वही फर्श। उन्होंने अधीर होकर पूछा, यह किसका बंगला है? कंपनी का मैनेजर साथ था, बोला, एक राय साहब भोला नाथ है, उन्हीं का है। राय साहब कहाँ गए? मैनेजर, खुदा जाने कहाँ गए। यह बंगला कर्ज की इल्लत में नीलाम हो रहा था। मैंने देखा हमारे थिएटर से करीब है, अधिकारियों से खातों किताब करके इसे कंपनी के नाम से खरीद लिया। 40,000 में यह बंगला सामान समेत मिल गया। आचार्य, मुफ्त मिल गया, तुम्हें राय साहब की कुछ खबर नहीं? मैनेजर, सुना था कि कहीं तीर्थ करने गए हैं, खुदा जाने लौटे या नहीं। आचार्य महाशय जब शाम को सावधान होकर बैठे तो एक आदमी से पूछा, क्यों जी, उस साथ घुरे का भी हाल जानते हैं? उसका नाम बहुत सुना है। आदमी ने सा करुण भाव से कहा, खुदाबंद उनका हाल कुछ ना पूछिए, शराब पीकर घर आ रहे थे, रास्ते में बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। उधर से एक मोटर लॉरी आ रही थी, ड्राइवर ने देखा नहीं, लॉरी उनके ऊपर से निकल गई, सुबह को लाश मिली। खुदाबंद उनके फन में एक था। अब उसकी मौत से लखनऊ वीरान हो गया। अब ऐसा कोई नहीं रहा जिस पर लखनऊ को घमंड हो। नथुआ नाम के एक लड़के को उन्होंने कुछ सिखाया था और उससे हम लोगों को उम्मीद थी कि उस्ताद का नाम जिंदा रखेगा, पर वह यहाँ से ग्वालियर चला गया, फिर उसका कोई पता नहीं। आचार्य महाशय के प्राण सूखे जाते थे कि अब बात खुली, अब खुली। दम रुका हुआ था, जैसे कोई तलवार लिए सिर पर खड़ा हो। बड़ी कुशल हुई, घड़ा चोट खाकर भी बच गया। आचार्य महाशय उस घर में रहते थे किंतु उसी तरह जैसे कोई नई बहू अपने ससुराल में रहती है। उनके हृदय में पुराने संस्कार ना मिटते थे। उनकी आत्मा इस यथार्थ को स्वीकार ही ना करती कि अब यह मेरा घर है। वह जोर से हंसते तो सासा चौंक पड़ते। मित्रगण आकर शोर मचाते और उन्हें एक अज्ञात आशंका होती। लिखने पढ़ने के कमरे में शायद वह सोते तो उन्हें रात भर नींद ना आती। यह ख्याल दिल में जमा हुआ था
कि यह पढ़ने लिखने का कमरा है। बहुत अच्छा होने पर भी वह पुराने सामान को बदल ना सकते थे और रत्ना के शयनगार को तो उन्होंने कभी खोला ही नहीं। ज्यों का त्यों बंद पड़ा रहता। उसके अंदर जाते हुए उनके पैर कांपते। उस पलंग पर सोने का ध्यान ही उन्हें नहीं आया। लखनऊ में कई बार उन्होंने विश्वविद्यालय में अपने संगीत नैपुण्य का चमत्कार दिखाया। किसी राजा रईस के घर अब वह गाने ना जाते, चाहे कोई उन्हें लाखों रुपए ही क्यों ना दे। यह उनका प्रण था। लोग उनका अलौकिक गान सुनकर अलौकिक आनंद उठाते थे। एक दिन प्रातःकाल आचार्य महाशय संध्या से उठे कि राय भोलनाथ उनसे मिलने आए। रत्ना भी उनके साथ थी। आचार्य महाशय पर रौब छा गया। बड़े बड़े यूरोपीय थिएटरों में भी उनका हृदय इतना भयभीत ना हुआ था। उन्होंने जमीन तक झुककर राय साहब को सलाम किया। भोलानाथ उनकी नम्रता से विस्मित हो उठे। बहुत दिन हुए जब लोग उन्हें सलाम किया करते थे, अब तो जहाँ जाते हैं हंसी उड़ाई जाती है। रत्ना भी लज्जित हो गई। राय साहब ने कातर नेत्रों से इधर उधर देखकर कहा, आपको यह जगह पसंद तो आई होगी। आचार्य, जी हाँ, इससे उत्तम व्यवस्था की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। भोलानाथ, यह मेरा ही बंगला है, मैंने ही इसे बनवाया और मैंने ही इसे बिगाड़ भी दिया। रत्ना ने झेपते हुए कहा, दादाजी इन बातों से क्या फ़ायदा। भोला, फायदा नहीं बेटे, नुकसान भी नहीं। सज्जनों से अपनी विपत्ति कहकर चित्त शांत होता है। महाशय, ये मेरा बंगला है, या यूँ कहिए कि 50,000 सालाना इलाके से मिलते थे, पर कुछ आदमियों की संगत में मुझे सट्टे का चस्का पड़ गया। 2-3 बार ताबड़तोड़ बाजी हाथ आई, हिम्मत खुल गई, लाखों के वारे न्यारे होने लगे, किंतु एक ही घाटे में सारी कसर निकल गई। बदिया बैठ गई, सारी जायदाद खो बैठा। सोचिए, 25 लाख का सौदा था, कौड़ी जीत पड़ती थी। आज इस बंगले का कुछ और ही ठाट होता, नहीं तो अब पिछले दिनों को याद करके हाथ मलता हूँ। मेरी रत्ना को आपके गाने से बड़ा प्रेम है, जब देखो आप ही की चर्चा करती है, इसे मैंने BA तक पढ़ाया। रत्ना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बोली, दादाजी आचार्य महाशय मेरा हाल जानते हैं, उनको मेरे परिचय की जरूरत नहीं। महाशय क्षमा कीजिएगा, पिताजी इस घाटे के कारण कुछ अव्यवस्थित चित्त से हो गए हैं। यह आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो वह कभी कभी इस बंगले को देखने आया करें, इससे उनके आंसू पुछ जाएंगे। उन्हें इस विचार से संतोष होगा कि मेरा कोई मित्र इसका स्वामी है, बस यही कहने के लिए आपकी सेवा में आए हैं। आचार्य ने विनयपूर्ण शब्दों में कहा, इसमें पूछने की जरूरत नहीं, घर आपका है, जिस वक्त जी चाहे शौक से आए, बल्कि आपकी इच्छा हो तो आप इसमें रह सकते हैं, मैं आपके अपने लिए कोई दूसरा स्थान ठीक कर लूँगा। राय साहब ने धन्यवाद दिया और चले गए। वह दूसरे तीसरे यहाँ दिन जरूर आते और घंटों बैठे रहते। रत्ना भी उनके साथ अवश्य आती। फिर वह एक बार प्रतिदिन आने लगे। एक दिन उन्होंने आचार्य महाशय को एकांत में ले जाकर पूछा, क्षमा कीजिएगा, आप अपने बाल बच्चों को क्यों नहीं बुला लेते, अकेले तो आपको बहुत कष्ट होता होगा। आचार्य, मेरा तो अभी विवाह नहीं हुआ और ना करना चाहता हूँ। यह कहते ही आचार्य महाशय ने आंखें नीची कर ली। भोलानाथ, यह क्यों, विवाह से आपको क्यों द्वेष है? नहीं, इसका कोई विशेष कारण नहीं, इच्छा भी तो होती है, आप ब्राह्मण हैं। आचार्य का रंग उड़ गया, सशंक होकर बोले, यूरोप की यात्रा के बाद वर्ण वेद नहीं रहता, जन्म से चाहे जो कुछ हूँ, कर्म से तो शुद्र ही हूँ। भोलानाथ, आपकी नम्रता को धन्य है, संसार में ऐसे सज्जन लोग भी पड़े हुए हैं, मैं भी कर्मों ही से वर्ण मानता हूँ। नम्रता, शील, विनय, आचार, धर्म, निष्ठा, विद्या, प्रेम, यह सब ब्राह्मणों के गुण हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझता हूँ। जिसमें यह गुण नहीं, ब्राह्मण नहीं, कदापि नहीं। रत्ना को आपसे बड़ा प्रेम है, आज तक कोई पुरुष उसकी आंखों में नहीं जचा, किंतु आपने उसे वशीभूत कर लिया, इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। आपके माता पिता? आचार्य, मेरे माता पिता तो आप ही हैं, जन्म किसने दिया यह मैं स्वयं नहीं जानता, मैं बहुत छोटा था तभी उनका स्वर्गवास हो गया। राय साहब, आह, वह आज जीवित होते तो आपको देखकर उनकी गज भर की छाती हो जाती, ऐसे सपूत बेटे कहाँ होते हैं। इतने में रत्ना एक कागज लिए हुए आई और राय साहब से बोली, दादाजी आचार्य महाशय काव्य रचना भी करते हैं, मैं इनकी मेज पर से यहाँ उठाए लाई, सरोजनी नायडू के सिवा ऐसी कविता मैंने और कहीं नहीं देखी। आचार्य ने छिपी निगाहों से एक बार रत्ना को देखा और झेपते हुए बोले, यूं ही लिख लिया था, मैं काव्य रचना क्या जानूं। प्रेम से दोनों विहल हो रहे थे। रत्ना गुणों पर मोहित थी और आचार्य उसके मोह के वशीभूत। अगर रत्ना उनके रास्ते में ना आती तो कदाचित वह उससे परिचित भी ना होती, किंतु प्रेम की फैली हुई बाह का आकर्षण किस पर ना होगा, ऐसा हृदय कहाँ। आचार्य महाशय बड़ी दुविधा में पड़े हुए थे। उनका दिल कहता, जिस क्षण रत्ना पर मेरी असलियत खुल जाएगी उसी क्षण वह मुझसे सदैव के लिए मुंह फेर लेगी। वह कितनी ही उदार हो, जाति के बंधन को कितना ही कष्टमय समझती हो, किंतु उस घृणा से मुक्त नहीं हो सकती जो स्वभावतः मेरे प्रति उत्पन्न होगी, अगर इस बात को जानते हुए भी उनकी हिम्मत ना पड़ती कि अपना वास्तविक स्वरूप खोलकर दिखा दे। हाँ, यदि घृणा ही तक होती बात तो कोई और बात थी,
मगर उसे दुख होगा, पीड़ा होगी, उसका हृदय तीर्ण हो जाएगा। इस दशा में वह ना जाने क्या कर बैठे। और उधर राय साहब की आमोदरफ्त दिनों दिन बढ़ती जाती थी। उनके मन की बात एक एक शब्द में झलकती थी। रत्ना का आना जाना बंद होता जाता था, जो उसके आशय को और भी प्रकट करता था। इस प्रकार 3-4 महीने व्यतीत हो गए। आचार्य महाशय सोचते, यह वही राय साहब है जिन्होंने केवल रत्ना की चारपाई पर जरा देर लेटे रहने से ही मुझे मारकर घर से निकाल दिया। जब उन्हें मालूम होगा कि मैं वही अनाथ अछूत आश्रयहीन बालक हूँ, तो उन्हें कितनी आत्मवेदना, कितनी अपमान पीड़ा होगी। एक दिन राय साहब ने कहा, विवाह की तिथि निश्चित करनी चाहिए, इस लगन में मैं इस ऋण से उकृण हो जाना चाहता हूँ। आचार्य महाशय ने बात का मतलब समझकर भी प्रश्न किया, कैसी तिथि? यही रत्ना के विवाह की। मैं कुंडली का तो कायल नहीं, पर विवाह तो शुभ मुहूर्त में ही होगा। आचार्य भूमि को ताकते रहे, कुछ ना बोले। राय साहब, मेरी अवस्था तो आपको मालूम है, कुछ कन्या के सिवा और किसी योग्य नहीं हूँ। रत्ना के सिवा और कौन है जिसके लिए उठाकर रखता? आचार्य साहब अपने ही विचारों में मग्न थे। राय साहब बोले, रत्ना को आप स्वयं जानते हैं, आपसे उसकी प्रशंसा करना तो व्यर्थ ही है, अब आप उसे स्वीकार कीजिए। आचार्य महेश्वर की आंखों से आंसू बह रहे थे। राय साहब बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ईश्वर ने उसी के लिए यहाँ भेजा है। मेरी ईश्वर से यही याचना है कि तुम दोनों का जीवन सुख से कटे। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। आचार्य ने अवरुद्ध कंठ से कहा, महाशय, आप मेरे पिता तुल्य हैं, पर मैं इस योग्य कदापि नहीं हूँ। राय साहब ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम समाज के भूषण हो। मेरे लिए ये महान गौरव की बात है कि तुम जैसे दामाद पाऊं। मैं आज ही तिथि आदि ठीक करके आपको सूचना दूंगा। कहकर राय साहब उठ खड़े हुए। आचार्य को कुछ कहना था, पर मौका ना मिला, हिम्मत भी ना पड़ी, मनोबल ही ना था, घृणा सहन करने की इतनी शक्ति भी ना थी। विवाह हुए महीना भर हो गया। रत्ना के आने से पति गृह उजाला हो गया और पति हृदय पवित्र, सागर में कमल खिल गया। रात का समय था। आचार्य महाशय भोजन करके लेटे हुए थे उसी पलंग पर जिसने किसी दिन उन्हें घर से निकलवाया था, जिसने उनके भाग्य चक्र को परिवर्तित कर दिया था। महीना भर से अवसर ढूंढ रहे थे कि वह रत्ना को बतला दूं। उनका संस्कारों में से दबा हुआ हृदय यह नहीं मानता कि मेरा सौभाग्य मेरे गुणों ही का अनुग्रह है। वह अपने रुपए को भट्टी में पिघलाकर उसका मूल्य जानने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु अवसर नहीं मिलता। रत्ना जो ही उसके सामने आ जाती, वह मंत्रमुग्ध से हो जाते। बाग में रोने कौन जाता है? रोने के लिए तो अंधेरी कोठरी ही काफी है। इतने में रत्ना मुस्कुराती हुई कमरे में आई। दीपक की ज्योति मंद पड़ गई। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, अब चिराग गुल कर दूं? रत्ना बोली, क्यों, क्या मुझसे शर्म आती है? हाँ, वास्तव में शर्म आती है, इसलिए तो मैंने तुम्हें जीत लिया। रत्ना ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। आचार्य बोले, रत्ना, तुम्हें धोखा देने की शक्ति नहीं है। आचार्य, तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। सब जानती हूँ। जानती हो मैं कौन हूँ? खूब जानती हूँ, बहुत दिनों से जानती हूँ। जब हम तुम दोनों इसी बागीचे में खेला करते थे, मैं तुमको मारती थी और तुम रोते थे। मैं तुमको अपनी झूठी मिठाइयाँ देती थी और तुम दौड़कर लेते थे। तब भी मुझे तुमसे प्रेम था, हाँ, दया के रूप में व्यक्त होता था। आचार्य ने चकित होकर कहा, रत्ना, यह जानकर भी तुमने? हाँ, जानकर ही, ना जानती तो शायद ना करती। यह वही चारपाई है ना? आचार्य ने उसे गले लगाकर कहा, तुम क्षमा की देवी हो। रत्ना ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हारी चेरी हूँ। आचार्य, राय साहब भी जानते हैं? रत्ना, नहीं, उन्हें नहीं मालूम, और उनसे भूलकर भी ना कहना, नहीं तो वह आत्मघात कर लेंगे। आचार्य, वह कोड़े अभी तक याद हैं। रत्ना, अब पिताजी के पास उसका प्राश्चित करने के लिए कुछ नहीं रह गया, क्या अब भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ? तो यह कहानी थी सौभाग्य के कोड़े, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद।